हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने शो में डिटॉक्स फॉर हेल्थ में। आज हम बात करेंगे अपने लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप स्मोकिंग। आपको सिगरेट धूम्रपान छोड़ना होगा। ये मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्टिव स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स बोथ। एक्टिव स्मोकर्स वो होते हैं जो एक्टिवली स्मोक करते हैं और धुआं छोड़ते हैं, और पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो स्मोक तो नहीं करते लेकिन स्मोकर्स के पास में खड़े होते हैं। और ऐसा माना गया है पैसिव स्मोकर्स के लंग्स ज़्यादा डैमेज होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकर्स। तो आपको स्टॉप स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी होगी। और आप स्मोक नहीं करते हैं तो उन लोगों के पास खड़ा होना भी छोड़ना होगा जो स्मोक करते हैं, क्योंकि ये आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज हार्डर, एज हार्डर यू कैन। आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी है, इंटेंस एक्सरसाइज, रनिंग, रिस्क वॉक, बहुत ज़्यादा जिम में इंटेंस जिम करो, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होगी और आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है डीप ब्रीदिंग में, जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है, वो बहुत ही सिंपल है। अपनी एक लंबी सी ब्रीद लो, जितनी लंबी ब्रीद आप ले सकते हो, और फिर उस ब्रीद को जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उस ब्रीथ को होल्ड करो। और जब होल्ड नहीं हो पा रहा है तो उस ब्रीथ को धीरे 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 स्लोली स्लोली रिलीज करो, जस्ट लाइक दैट। होल्ड एज मच एज यू कैन, देन रिलीज इट स्लोली स्लोली। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजों में से एक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आपको अवॉइड करना होगा ड्यूरिंग पीक आवर्स बाहर जाने के लिए। जब कभी भी मॉर्निंग में 8 से 10 के टाइम में, 11 के टाइम में, और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये जो टाइम होता है वो पॉल्यूशन का सबसे पीक टाइम माना जाता है। तो इन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, इस टाइम में अवॉइड करिए, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन झेलना पड़ता है इन 2 घंटे के पीक आवर्स में। तो आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए। और साथ ही साथ एक सबसे बेहतरीन प्लांट मैं आपको बताता हूँ, जो आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, वो है स्नेक प्लांट। इस प्लांट की सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या है? ये प्लांट नाइट में भी ऑक्सीजन देता है, तो ये भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो फोर्थ पॉइंट इज वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड पॉल्यूशन एज मच एज यू कैन, और स्नेक प्लांट अपने बेडरूम में लगाइए। फिफ्थ पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपांड करने में, वो है, और ये बहुत फन लविंग भी है, वो है स्विमिंग। अंडर वाटर स्विमिंग जो लोग करते हैं वो अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत अच्छी तेज़ी से और बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप स्विमिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्विमिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।